न्यूजीलैंड श्रीलंका का भी मैच खेला गया था, जिसमें टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 3 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गिर गया। निशंका अपना खाता तक नहीं खोल सके, साउदी ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद पेरेरा ने तेजी से रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। कप्तान मैंडिस 6 रन बनाकर आउट हो गए। समर विक्रमा 1 रन और चरित असलंगा 8 रन बनाकर चलते बने। पावर प्ले के आखिरी ओवर में कुशल पेरेरा भी 51 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। पावर प्ले के बाद श्रीलंका का स्कोर 74/5 था। इसके बाद गति कम हो गई, लेकिन विकेट गिरते रहे। एंजेलो मैथ्यू 16 रन बनाकर आउट हो गए। धनंजय डिसूजा 19 रन बनाकर आउट हुए। चमका करुणा रत्न भी 6 रन बनाकर चलते बने। दुष्मंता चमीला ने 1 रन बनाए। आखिरी विकेट के लिए महेश तीक्ष्णा ने दिलशाद मधुशंका के साथ 43 रन की साझेदारी की और अपनी टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए। लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैटनर और रचिन रविंद्र को 2-2 विकेट मिले हैं। 172 रन का लक्ष्य पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम के डेवन कॉनवे 45 रन, डेरिल मिचेल 43 रन और रचिन रविंद्र ने 42 रन की शानदार पारी खेली। ग्लेन फ्लेम्स भी 17 रन बनाकर नाबाद रहे। केन विलियम्स ने 14 रन बनाए। मार्क चैपमन 7 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लैथम ने नाबाद 2 रन बनाए। श्रीलंका के लिए एंजेलो मैथ्यू ने 2 विकेट लिए। महेश तीक्ष्णा, दुष्मंत चमीरा को 1-1 सफलता मिली है। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीदों पर बरकरार रखी। लीग राउंड में उसके सभी मुकाबले पूरे हो गए। 9 मैचों में न्यूजीलैंड के 10 अंक हैं। उसे 5 मैचों में जीत और 4 हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर लगातार 4 मैचों में हार के क्रम को भी तोड़ दिया। अगर भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती तो उसका मुकाबला मुंबई में भारत से होगा। अब अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में करीब करीब बाहर हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चमत्कारी प्रदर्शन करना होगा। वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें।